अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फभिया अंसारी। इन दिनों कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से प्रत्येक देश भयभीत है। वह इस बीमारी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय खोजने में जुटे हुए हैं। इस घातक बीमारी को रोकने के लिए इन दिनों सबसे बड़ा जिम्मा नगर निगम व फायर ब्रिगेड कर्मियों को दिया गया है, जिसके चलते जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम व फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा प्रत्येक गली मोहल्ले में जगह जगह जाकर सैनिटाइज करने का काम कर रही है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है व वायरस से निपटने के लिए प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है व सफाई व्यवस्था पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। सरकार जो है शासन और प्रशासन के आदेश निर्देशन में करीब लगभग एक हफ्ते से फायर सर्विस द्वारा देहातों में डिप्टी सी एम ओ महोदय के निर्देशन में एवं शहर में जो हॉट पॉइंट है और उसके अलावा जो माननीय के आदेश निर्देश है उनके हिसाब से जगह जगह पर ये जो है ये किया जा रहा है सैनिटाइजर। और आज ये जो है करबला है, सुहागनगर क्षेत्र है और जो है आगे नंबर 4 है, 24 है, इस क्षेत्र में आज जो है इनका सैनिटाइजर किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है आज हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है, तो नगर निगम द्वारा तो सैनिटाइज कराने का कार्य किया ही जा रहा है। योगी जी के आदेश अनुसार एवं विधायक मनीष सजिया के आदेश अनुसार दमकल विभाग से ये कल से शुरू हुआ है। 2 गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजर करने का कार्य किया जा रहा है कुशलता से। आज यहाँ करबला की गुलिया से सुहागनगर चौराहे तक, देवनगर में, सुहाग नगर में एवं और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा दमकल विभाग की ओर से।